हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो इस चॉपर को लेकर है, जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और आज की डेट में हर किचन में यूज़ होने वाला ये प्रोडक्ट है। हर छोटी बड़ी किचन में ये चॉपर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कभी इनकी ये इलास्टिक ढीली हो जाती है, कभी ये इलास्टिक खिंच जाती है, कभी इनके ब्लेड्स की शार्पनेस कम हो जाती है, ब्लेड्स काम नहीं करते हैं, और कभी कभी तो जो ये ब्लेड्स स्टक होता है ना, वो ये जो ढिमरी होती है यही टूट जाती है, तो हमारे चॉपर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इतने महंगे चॉपर्स आते हैं और ये ज़रा सी लापरवाही से ही हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ इन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि ये क्यों ख़राब होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी लिड को खोलूँगी, क्योंकि जो भी अटरम सटरम पार्ट होता है ना, छोटा मोटा, वो इसी लिड के अंदर ही होता है और इसको खोलना बहुत आसान होता है। यहाँ पर जो होल पार्ट्स बने होते हैं, बस इसमें आपको पेचकस लगाना है और ऊपर की साइड थोड़ा सा उठाना है, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी। और आप देखेंगे कि हल्का सा ही खोलते ही मेरी इलास्टिक तो खिसक के वापस फिक्स हो गई है। तो देखा कितना छोटा सा रेयर प्रॉब्लम था, हल्का सा मैंने बस उसको खोला ही कि ये इलास्टिक हो गई। लेकिन कई बार और भी प्रॉब्लम्स आती है, जो कि मैं आपको खोल कर आके दिखाना चाहूंगी। तो देखिए, इसके अंदर ये प्लास्टिक का कुछ मटेरियल लगा हुआ होता है और इसमें ये जो दो चाबियां सी पड़ी हुई होती हैं, यहाँ पर ये देखिए, आपको ये दो चाबियां दिख रही है ना, ये तो ये अपने जो होल पार्ट्स होते हैं ना, उनसे खिसक जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो आमने सामने ये जो दो होल बने हुए हैं ना, ये इनके लॉक से निकल जाती है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है तो ईजिली निकल ही जाती है। तो डोंट वरी, ये फिक्स भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इनको इनके लॉक्स पर आप अच्छे से फिक्स कर दीजिए, क्योंकि आप जब भी ज़्यादा तेज़ चॉपिंग करते होंगे, ज़्यादा फास्ट चॉपिंग करते होंगे ना, तो इसकी वजह से ये निकल जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका चॉपर काम नहीं करता है। तो इनको आप इस तरीके से फिक्स कर दीजिए, इनकी जो नॉक है ना, उनको बाहर की साइड रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो आप ये भी करके देख लीजिए, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कई बार ये देखिए, हमारे यहाँ पर इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये अच्छे से काम कर रही है, अंदर बाहर हो रही है और अच्छे से जो है वो भी सर्कल में घूम रही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि कुछ लोगों में होता है कि इलास्टिक जो इसकी होती है वो थोड़ी सी होती है, किसी किसी के में पूरी खिंच जाती है। जो लोग थोड़ी बहुत ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो मतलब पूरी खींच कर बाहर कर लेते हैं। तो उसको आपको क्या करना है कि जो ये ढिमरी सी बनी हुई है ना, जो राउंड सर्कल बना हुआ है, जो रोटेट हो रहा है, बस इसमें ही आपको सारी जो इलास्टिक है उसको राउंड राउंड करके लगा देनी है इसी ढिमरी पार्ट पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा साइड से मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना सारा अंदर सारी इसी के अंदर रोल हुई है इसी तरीके से इलास्टिक। तो आपको भी इसी तरीके से इसके ऊपर भी रोल कर देनी है, तो ये भी आपके फिक्स हो जाएगी और अच्छे से काम करने लगेगी। ठीक है, तो आप ये भी करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी टाइम टू टाइम आप क्लीनिंग करते रहें, क्योंकि आप जब भी इसे वॉश करते हैं तो पानी वगैरह होता है, जो उसकी मैल वगैरह यहाँ पर जम जाता है, इसके छोटे छोटे से पार्ट्स में वो चला जाता है। तो इसके लिए आप मतलब एक ब्रश ले लीजिए, टूथब्रश कोई भी ख़राब सा, और इससे आपके छोटे छोटे से पार्ट होते हैं उन पर हल्के हल्के हाथों से इसको चला दीजिए। जो भी डस्ट वगैरह होगी, जो भी सब्जी छोटी मोटी हल्की चॉप होकर इसके अंदर चली जाती होंगी, तो वो सारी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम इसको अच्छे से क्लीन करते रहें, हर बार नहीं, हफ्ते में एक बार या दो बार आपको जब भी टाइम मिले इसको एक बार तो ज़रूर क्लीन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से इस तरीके से फिक्स कीजिए। अब हम इसके ऊपर अपनी जो लिड है दूसरी वाली, उसको बंद करेंगे। ठीक है, तो इसको बंद करने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बस इस तरीके से ऐसे करके इसके अंदर पुश करना है, डालना है, और ये हमारी ढिमरी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने इस पर भी हल्का सा ब्रश चला दिया, और ये देखिए हल्का सा ब्रश चलाते ये बिल्कुल चमक गया है। तो इस तरीके से आप भी छोटे मोटे जुगाड़ टाइम टू टाइम करते रहिए, इससे आपका चॉपर जल्दी ख़राब नहीं होगा, और अगर ख़राब है तो आप इस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी जुगाड़े करके आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार आप उनको ख़राब करके मतलब ख़राब समझ के रख देते होंगे, या फेंक देते हैं, या फिर बाज़ार में ठीक करवाते हैं, तो बहुत सारे पैसे लगते हैं।
तो आप इस तरीके से जुगाड़ करके, जुगाड़ नहीं इस तरीके से फिक्स करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम लेट को फिक्स करना मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से जो इसका कटा हुआ पार्ट है ना, उसको आपको कुछ इस तरीके के और इस ऐसे रखना है, सामने जो लॉक बना हुआ है उसके सामने इस तरीके से रखे और इसको दबा देना है आपको इस तरीके से, है ना। एक कट सीना एक आवाज़ आएगी तो आप समझ जाइए अच्छे से लॉक हो गया है। और बस चारों तरफ से अच्छे से घुमाकर दबाते हुए इसको फिक्स करना है। तो आपका ये जो लेड है वो पार्ट बनकर तैयार हो चुका है और ये यहाँ से अच्छे से काम भी कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से अंदर बाहर हो रहा है। तो हमारी ये तो तैयार हो गई है। तो अब बारी आती है ये जो ये निकल जाती है ना, तो सारा काम इसी से ही होता है क्योंकि जो हमारे ब्लेड होते हैं वो इसी पर ही अटैच होता है और इसी की हेल्प से ही वो रोटेट करता है। जब हम इसके ऊपर लेड लगाते हैं, अगर ये टूट गई ना तो समझो पूरा काम तमाम हो गया, हमारा पूरा चॉपर ख़राब हो जाएगा इसके टूटते ही। तो इसको फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर ये टूट जाती है तो आप इसको फेविकॉल से नहीं बल्कि फेविक्विक से या फिर ग्लूगन की हेल्प से आप इसको सिक्योर कर दीजिए, उसी जगह पर पेस्ट कर दीजिए और प्रॉपर टाइम दीजिए सूखने के लिए, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। अब तीसरी प्रॉब्लम आती है ब्लेड्स में। कई बार ब्लेड्स की शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, मथरे से हो जाते हैं, तो भी हमारी चॉपिंग बिल्कुल सही से नहीं करते हैं, हम मोटा मोटा कर देते हैं। तो इसके लिए आप घर पे ही ब्लेड्स को तेज कर सकते हैं, धार लगा सकते हैं उनमें। किस तरीके से, तो देखिए छोटे छोटे से इस तरीके से कागज़ के टुकड़ों को आपको डालना है और जैसे आप किसी भी चीज़ को चॉप करते हैं ना वैसे ही चलाना है इसमें, अपनी ब्लेड को लगाकर अच्छे से बंद करके इसको चलाना है। तो आप एक ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा आइडिया है कि आप इसमें नमक डालकर भी चला सकते हैं, ठीक है, तो भी आपके ब्लेड तेज हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये देखिए मेरे चॉपर में यहाँ पर कुछ इस तरीके के निशान पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये निशान इतने गहरे हैं कि अगर मैं थोड़ा सा और करती ना तो ये बिल्कुल मेरे इस लिड को काट देते और फिर भी ये ख़राब हो जाती, ठीक है। तो हम क्या गलती करते हैं, सबसे पहले हम चॉपिंग करते हैं ना तो हम बिल्कुल नीचे की साइड रख के करते हैं, ठीक है, तो वो नीचे कट जाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, इस तरीके से आप अपना थंब रख लीजिए और थंब के ऊपर ऊपर चलाइए, आपको थंब पर भी टच नहीं करना है वरना आपके थंब को भी हार्म हो सकता है। तो अपने अंगूठे के ऊपर ही ऊपर इस तरीके से चलाएँ आप, तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगी। मैं एक बार यहाँ पर आपको अनियन काट के भी दिखाती हूँ कि हमारा चॉपर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो जब भी आप कोई चीज़ मतलब इसमें चॉप करें, कुछ भी, चाहे प्याज टमाटर या लहसुन अदरक कुछ भी चॉप करें, तो आपको उसको इस तरीके से टुकड़ों में तो कट करते ही होंगे आप, है ना। लेकिन इसको ना चारों तरफ डालना, एक ही साइड आप ना डालें बल्कि चारों तरफ डालें, जिससे कि इसको एक ही साइड ज़्यादा मतलब प्रेशर ना लगाना पड़े, इसलिए चारों तरफ अच्छे से डालकर और इसकी लिड को बंद करके आप चॉप कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये क्या होता है, सबसे रेयर प्रॉब्लम होती है, इसमें क्यों आती है, क्योंकि इसको हम धो देते हैं, इसके लिड को जो धोने के लिए मना करते हैं, ठीक है, लेकिन धोए बिना बनता भी नहीं है क्योंकि हम लहसुन प्याज पीसते हैं तो उसकी स्मेल काफ़ी आती है, इसके लिए धोना तो कंपलसरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन बता रही हूँ जिससे कि आपको इसको धोना भी नहीं पड़ेगा और स्मेल भी नहीं आएगी और आपका ये चॉपर जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक पॉलीथिन ले लेनी है। पॉलीथिन आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का रेफर ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चीज़ की ही चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं राउंड सर्कल में इसको कट कर रही हूँ, जितना हमारा लिड है उसी हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया। अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी होता है तो डोंट वरी, कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा उससे। और बस इस तरीके से मोड़ कर इसकी जो नॉक है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट कर दूँगी, जिससे कि लिड पर जो ये वाइट कलर का नॉक बनी हुई है ना वो इसके अंदर अच्छे से जा सके। तो यहाँ पर दो बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब कैसे यूज करना है, तो ये जो मैंने होल किया है ना उसको इसके अंदर डाल देंगे हम कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो ये होल है ना इसको इसके अंदर इस तरीके से आप फिक्स कर दीजिए और पॉलीथीन को चारों तरफ अच्छे से फिक्स करके अपनी लिड को चॉपर के ऊपर बंद कर दीजिए और बस अब आप इसमें चॉप करना स्टार्ट कर दीजिए और आपकी चॉपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चॉपिंग करते समय आपको जो इलास्टिक ऊपर की साइड करनी है, नीचे की साइड नहीं, नीचे की साइड से लिड ख़राब हो जाएगी, आपकी पूरी तरह कट जाएगी क्योंकि काफ़ी तेज़ चॉपिंग होती है इसमें। तो यहाँ पर देखिए अब आप देखेंगे कि जो भी जितना भी प्याज वगैरह लगा हुआ था वो सारा हमारी इस पॉलीथिन पे ही आया है, ठीक है। अब इससे हमारे कैप को बिल्कुल भी मतलब नहीं लगा है प्याज, उसमें स्मेल भी नहीं करेगी और वो गंदा ही नहीं होगा, और गंदा नहीं होगा तो हम उसको वॉश नहीं करेंगे, बस ऐसे ही सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर उसकी क्लीनिंग करके रख देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे लिड बिल्कुल क्लीन निकली है। तो अब आपको इसको धोने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम धोएंगे नहीं तो हमारी जो चॉपर है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। और इसको आप धोकर अगली बार यूज करने
के लिए रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2-3 बना के रखे हैं, आप भी रख सकते हैं। और देखिए हमारी प्याज यहाँ पर चॉप हो गई है बिल्कुल अच्छे से, यानी कि हमारा चॉपर अच्छे से ठीक हो चुका है। तो देखिए ना, घर में छोटा सा ही जो मतलब करके हमने इसको फिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से आप हर बार बाहर ना जाएं, एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। बाय।